मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम किसी भी शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते थे। दोस्तों गदर 2 के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद बॉलीवुड के मेकर्स अब अपनी पुरानी मूवी के सिक्वल को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और जब 22 साल पुरानी मूवी का सिक्वल दर्शकों को सिनेमाघरों में लेकर आ सकता है तो फिर 20 साल या फिर 30 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर मूवी के सिक्वल क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसे में साल 1993 में एक मूवी रिलीज हुई थी खलनायक, और इस मूवी को सुभाष घई के डायरेक्शन में बनाया गया था। तो वहीं बीते दिनों खलनायक के सिक्वल की चर्चा काफी ज्यादा हाई हो गई है, लेकिन अब जल्दी इसकी अनाउंसमेंट की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो सुभाष घई और उनकी पूरी टीम खलनायक के सिक्वल पर गंभीरता से काम करने जा रही है। इसी के साथ मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो मूवी में एक हुकार अपराधी होता है जिसका नाम बल्लू होता है। बल्लू के किरदार में संजय दत्त देखने को मिलते हैं। तो वहीं ये मूवी की कहानी संजय दत्त के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, जो कि जेल से फरार हो जाता है। मूवी में पुलिस अधिकारी के किरदार में हमें जैकी श्रॉफ नजर आते हैं। तो वही जैकी श्रॉफ लवर के किरदार निभाते हुई माधुरी दीक्षित देखने को मिलती हैं, जिसका नाम गंगा होता है। और ये दोनों ही मिलकर बल्लू को पकड़वाते हैं, और इसी दौरान बल्लू को गंगा से प्यार हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवी एक लव ट्रायंगल मूवी होने वाली है, कि इस मूवी में लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। साथ ही लोगों ने इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया था, और तभी से लोगों की मांग थी कि खलनायक पार्ट 2 जरूर आए। और फाइनली कहा जा रहा है कि खलनायक मूवी के सिक्वल को लेकर खबरें सामने आने लगी है। साथ ही सुभाष घई ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीडिया के सामने ये अनाउंस कर दिया है कि गदर 2 की सफलता के बाद मुझे कई सारे मैसेज आए, अब मैं भी इस पर विचार करूंगा और जल्दी हम आपको कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। वेल, इस मूवी में हमें संजय दत्त के साथ कोई न्यू स्टार देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सब खलनायक पार्ट 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।